नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हुई है और ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हुई है आतंकवाद के ऊपर। आतंकवाद जिसके ऊपर हम लगातार आप लोगों के साथ जो भी खबर होती है ज़रूर शेयर करते हैं। आतंकवाद अपने पैर इतने ज़्यादा पसार चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब वो सरकारी दफ्तरों में भी घुस चुका था। आपको याद होगा कुछ देर पहले भी एक आतंकवादी सलाउद्दीन के बेटे भी यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी कर रहे थे और आज 6 ऐसे सरकारी मुलाजमों को नौकरी से निकाला है जो सरकारी मुलाजिमों का आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि आतंकवादियों के साथ लिंक्स। अब ये लिंक्स बड़े किस्म के हो सकते हैं, हो सकता है कि ये कोई ऐसा लिंक हो जिससे काफ़ी देर से ये आतंकियों के साथ, ये जो 6 के 6 गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वो काफ़ी देर के साथ इनके साथ मिलकर कई सारी बातें जो हैं आतंकियों के साथ शेयर कर रहे हों। हो सकता है कि आतंकवादियों को लगातार कई सारी बातें सरकारी दफ्तरों से जो है उन तक पहुंचाते हों, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस समय भारत सरकार और ख़ास करके जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में सरकार चल रही है और उनके द्वारा उन लोगों पर गाज गिर रही है जिनके आतंकियों के साथ लिंक हैं। देखिए, अब इनको निकाला गया है, इस कानूनों की तरफ तो मैं जाऊँगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है भारत, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा देश। कानून सेक्शंस क्या कहती हैं, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद के साथ ऐसे कुछ लोग अगर मिले हुए हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं तो उनको एक मिनट नहीं लगाना चाहिए निकालने में और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि इन लोगों ने आतंकियों के साथ मिलकर क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें देश के विरुद्ध काम किया है। देश के विरुद्ध कौन कौन सी चीज़ें इन आतंकियों ने जो है आतंकियों के साथ शेयर की है। मेरे हिसाब से तो ये 6 के 6 लोग आतंकी हैं जिनके लिंक्स आतंकवादियों के साथ थे। जो आतंकियों के साथ जिनके लिंक्स हों वो आतंकवादी ही होते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे 6 के 6 लोग। अभी इनके बारे में पूरी जानकारी, इनके नाम और किस किस दफ्तर में थे ये हम आपको कुछ देर में देंगे, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार के अंदर रहकर कुछ ऐसे लोग जो आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर एक गाज गिरी है और मैं सरकार से ये भी कहूँगा कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो और इन्होंने जितना पैसा सरकार का लिया है इनसे वो सूद समेत वापस लिया जाए और सरकार का ये पैसा डेली वेजर्स और हमारे SPOs और हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इस 6 लोगों की तनख्वाहों के जो पैसे हैं वो सारे इनसे वसूले जाएं वापस और इन सभी स्कीमों में लगाया जाए जिसमें डेली वेजरों को परमानेंट करना है। ये अभी तक की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। 6 ओवरग्राउंड वर्कर्स सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे, उनको टर्मिनेट कर दिया है और उनके ऊपर अब होगी कड़ी कार्रवाई। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को। राम राम।